रीवा रजिस्ट्रार कार्यालय में अभी फर्जी चालान बनाकर करोड़ों का किया गया घोटाला सुलझा भी नहीं है और नेताए दिन फर्जीवाड़े किए जा रहे हैं, जिसमें आम जनता की भूमि ले देकर दूसरे के नाम से रजिस्ट्री कर दी जाती है। ताजा मामला एक बार फिर सामने आया है, जब शिवम पांडे पिता विनायक प्रसाद पांडे निवासी सगरा की जमीन की रजिस्ट्री शिवम तिवारी ने दूसरे के नाम से बेच दी। बताया जाता है कि आराजी क्रमांक 368/3 को शिवम तिवारी पिता रामजी तिवारी द्वारा फर्जी शिवम पांडे बनकर शिवम पांडे का कूट रचित हस्ताक्षर कर 3 फर्जी रजिस्ट्री तैयार कराकर विक्रय कर दिया। तीनों रजिस्ट्री रीवा रजिस्ट्रार कार्यालय से हुई, जिससे माना जा रहा है कि रजिस्ट्रार कार्यालय के रजिस्ट्रार की भी भूमिका संदिग्ध है और पूरा खेल पैसे का लेन देन कर हो गया। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिवम तिवारी, ध्रुव द्विवेदी, योगेंद्र बहादुर सिंह, सुखेंद्र कुमार सेन और होरिल पांडे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि रजिस्ट्रार कार्यालय ने आखिर 3 रजिस्ट्री फर्जी हुई और भनक कैसे नहीं लगी। बताया जाता है कि जिस जमीन की रजिस्ट्री हुई है वह जमीन पहले से ही बैंक में बंधक है, जिससे साफ हो जाता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस के अधिकारियों ने मूल दस्तावेज नहीं देखे। वेंडर ने जिस तरह से चाहा मनमाने रूप से रजिस्ट्री करा दी। आपको बता दें कि करोड़ों के हुए चालान घोटाले का अभी खुलासा भी नहीं हुआ है, जिसमें कई रजिस्ट्रार शामिल हैं। आइए आपको सुनाते हैं उक्त की गई कार्यवाही के संबंध में पुलिस और रजिस्ट्रार का क्या कहना है। मैम, अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में अभी एक हाल ही में रजिस्ट्री हुई, शिवम तिवारी की जमीन शिवम पांडे बन के आके उसने करवाया, तो क्या मानती हैं? रजिस्ट्रेशन जो है शिवम पांडे के ही नाम से किया गया और खसरे और ऋण पुस्तिका में शिवम पांडे ही दर्ज था और आधार कार्ड जो है उन्होंने पेश किया, वो आधार कार्ड क्रेता का भी था, विक्रेता का भी था और 2 गवाह थे, उनकी शिनाख्त के आधार पे सब रजिस्ट्रार ने पंजीयन किया। अब ये बताया जा रहा है कि शिवम तिवारी शिवम पांडे बनके जो उसी गांव का रहने वाला है सगरा का, उसने रजिस्ट्री कराई है, तो ये कुल मिला के छद्म प्रतिरूपण का केस है। सब रजिस्ट्रार ने नियमानुसार आधार कार्ड लिया पहचान हेतु और पहचान के लिए उपस्थित 2 गवाहों की शिनाख्त के उपरांत इनका पंजीयन किया है दस्तावेजों का और पंजीयन अधिनियम की धारा 58 के तहत जिस व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाता है दस्तावेज, अगर सब रजिस्ट्रार का ये हो जाता है, मतलब उसको तसल्ली हो जाती है कि ये वही व्यक्ति है जिसने निष्पादित किया, मतलब हु है साइन द डॉक्यूमेंट, तो इन्होंने शिवम पांडे ने साइन किया और उन्हीं की सिग्नेचर के आधार पे इन्होंने रजिस्ट्री की कि हाँ निष्पादन इनके द्वारा किया गया और शिनाख्त 2 गवाहों की गई। वो गवाह ही दोनों जिम्मेदार होते हैं कि शिवम पांडे है या नहीं है। सब रजिस्ट्रार मौके से नहीं जाता है, फोटो लगती है मौके की, सगरा गांव की रजिस्ट्री थी और ये सिरमौर रीवा सिरमौर रोड की रजिस्ट्री थी और क्या कहते हैं उनका बाकायदा फोटो लगाया उन्होंने क्षेत्र का और पंजीयन कराया है। तो मैम, रजिस्ट्री होने से पहले ओरिजिनल कागज क्या नहीं देखे जाते हैं? देखे जाते हैं। आधार कार्ड भी देखा गया, मे बी पॉसिबल कि आधार कार्ड भी ये फर्जी बना के लाया होगा स्कैनिंग के माध्यम से या किसी भी तरह, जो चेक होना आज की डेट में मुश्किल है कि आधार कार्ड